नमस्ते दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आदि शिव जी की पूजा अर्चना के लिए पधारे हैं। वे पार्वती कुंड पार्वती में कुंड बैठ से जुड़ी करके हुई पूजा कर रहे हैं। वो एक साधु की तरह पूजा अर्चना कर रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। वो एक शुद्ध शिव भगत के रूप में नजर आ रहे हैं। कितना भव्य दृश्य है। हर सनातन धर्मी को ये दृश्य देखकर एक अति आनंद की अनुभूति होती है। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, शासन की डोर उन्होंने अपने हाथ में ली है। सनातन धर्मियों का हृदय गदगद होने लगा है। उससे पहले हिंदू अपने आप को हिंदू कहलाने में भी झिझकते थे, लेकिन आज गर्व से कहते हैं कि हमें गर्व है, हम हिंदू हैं। देखिए किस तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं पार्वती कुंड में बैठ के। डमरू की ध्वनि आ रही है। सामने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। मोदी जी आज के वर्तमान समय के राजऋषि जनक की भूमिका निभा रहे हैं। वो भारत को प्रगति के पथ पर भी ले जा रहे हैं और अपने सनातन धर्म की असली पहचान करने में भी पीछे नहीं है। उनको परवाह नहीं है उनके विरोधी क्या कहते हैं। उनको अपने देश और अपने सनातन धर्म के प्रति जो आस्था है, उसके लिए 2400 घंटे लगातार सेवा कर रहे हैं भारत माता की। यही एक सच्चे राष्ट्रभक्त और देशभक्त और सनातनी हिंदू की सच्ची पहचान है। वो बड़े दिल से पूजा अर्चना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने सनातन धर्म पर गौरव करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, अपनी पहचान को छिपाना भी नहीं चाहिए। यही एक सच्चे राष्ट्र नेता का कर्तव्य भी है, पहचान भी है और उसका एक असली उद्देश्य पूर्ति का साधन भी है। ये संदेश पूरे देश में और पूरे विश्व में पहुंचेगा कि आज का सनातनी जाग गया है और अपनी आस्था को झुकने नहीं देगा। मोदी जी की आस्था जग जाहिर है। वो अपने हिंदू होने की बात को किसी से छिपाते नहीं हैं। वो परवाह नहीं करते हैं कि
कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, जो उनको अच्छा लगता है और अपना कर्तव्य समझते हैं वो करते हैं और कर रहे हैं। किस तरह से एक पुरोहित की तरह डमरू बजा रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, शंख भी बजा रहे हैं। ये 17-18 हजार की ऊंचाई पर है। आदि शंकर का ये पहाड़ी एरिया बहुत प्राचीन काल से हमारे पुराणों में, स्कंद पुराण आदि में इसका वर्णन मिलता है। ये भगवान शिव की बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कई कई दिनों तक, हफ्तों तक लोग बैठते हैं और धुंध छटती नहीं है, लेकिन देखिए आज स्वयं भगवान शंकर ने मोदी जी के लिए मौसम एकदम साफ कर दिया और उनके लिए दर्शन की जो अभिलाषा थी वो पूरी कर दी। सफेद पगड़ी बांधे धवल पर्वत की चोटियों को निहारते हुए वो शिव भगवान की पूजा अर्चना में तल्लीन है। पहले लोग धर्म निरपेक्षता के बहाने हिंदू धर्म को बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे। हिंदू धर्म के बारे में कोई भी नेता कुछ बोलने से कतराता था, क्योंकि दूसरे जो नेता हैं उनके दिमाग में हमेशा चुनाव के समय वोटिंग की बात दिमाग में रहती है। मोदी जी भले ही चुनाव की बातें दिमाग में रखें, लेकिन सच्ची लगन से पार्वती कुंड से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस पवित्र आदि कैलाश स्थान पर इसके बाद प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेंगे। और ये सीधी तस्वीरें हैं पार्वती कुंड से, जहाँ कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आपको बता दें कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर, जोलिंगपोंग मंदिर, भगवान शिव और पार्वती का ये खास मंदिर है। और इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। बताया जाता है कि शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ी यहाँ की खास मान्यता है। इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। बताया जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ पर शिव और पार्वती का शुभ विवाह हुआ था। आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी ये स्थान विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ से कैलाश चोटी का विहंगम दृश्य भी दिखाई देता है। आपको बता दें कि आदि कैलाश उत्तराखंड की सबसे पवित्र पर्वत चोटियों में से एक है और इसे भारत का कैलाश पर्वत भी माना जाता है। काफी ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। माना जाता है कि तिब्बत में कैलाश पर्वत के बाद दूसरी सबसे पवित्र पर्वत चोटी है। जिस प्रकार चाइना के अधीन तिब्बत में शिवजी का मानसरोवर धाम है, उसी तरह ये आदि शिव का धाम भी पिथौरागढ़ जिले में उत्तराखंड में
उतना ही पवित्र है और इसकी मान्यता भी उतनी ही अधिक है। ये जोलिंगकोंग मंदिर है जहाँ से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं, और इसके अलावा आदि कैलाश के जड़ में गोरी कुंड भी है, यानी कि काफ़ी मान्यता है इसकी। आध्यात्मिक तो है ही, साथ ही साथ प्राकृतिक सुंदरता भी यहाँ से नज़र आती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उत्तराखंड के दौरे पर हैं, और अपने दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ के इस पार्वती कुंड में पूजन अर्चन करके की। लोगों का मानना है जब भी प्रधानमंत्री मोदी को कोई बहुत ही विशेष कार्य का प्रारंभ करना होता है तो वो किसी न किसी शिव धाम पर पहुंचते हैं। पिछली घटनाएं इसका संकेत है। अब भी लोगों का ऐसा अनुमान है कि मोदी जी कोई बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। उनकी शिव भक्ति बहुत ही सच्ची है, इसमें दिखावा मात्र बिल्कुल भी नहीं है, और इस शिव भक्ति का उनको हमेशा पारितोषिक भी मिलता है। वो पिछले 22-23 वर्ष से पहले 14-13 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, अब 9.5 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो कोई कभी भी कोई चुनाव नहीं हारे हैं, यही स्पिरिचुअल पावर की उन पर विशेष कृपा है। आध्यात्मिक शक्तियाँ उनके साथ हैं, उनका कोई भी संकल्प अधूरा नहीं रहता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्ते।